उत्तरकाशी में पंचकोसी वारुणी यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ऐसी मान्यता है कि 15 किलोमीटर पैदल दूरी वाली ये यात्रा मार्ग पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जिसमें पग पग चलने पर अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य लाभ मिलता है। इस यात्रा का शुभ फल 5 बार यात्रा को करके मिलता है। यहाँ की यात्रा का जो महत्व है, ये 80 और बढ़ना के बीच में हर चैत्र मास में जो है लोग हजारों की तादाद से इस बढ़ना साढ़ ग्राम सभा और बणेश्वर जगन्नाथ जी, माँ दुर्गा अष्टभुजा, ज्ञानेश्वर, विमलेश्वर, ये तमाम देवताओं का जो है ये 80 बढ़ना के बीच में विराजमान है। और इसका जो संगम है वो लास्ट 80, जो 80 गंगा है हमारी, ये उसका जो यहाँ का जो अंतिम यात्रा है वो समापन होती है। इस यात्रा में पड़ने वाले गांव के लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह जलपान फलाहार की व्यवस्था की है। इस यात्रा में जहां स्थानीय लोग बढ़ चढ़ कर पहुँच रहे हैं, वहीं अन्य जनपद से भी लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उनसे हो और अभी हम यहाँ ट्रांसफर पे आए हैं, हम चारों लोग एक फैमिली जो है, ये मेरे साथी डोभाल जी हैं और डोभाल जी भी जो है हम LIC में सर्विस कर रहे हैं, यहाँ ट्रांसफर होके आए हैं। और हमें पहले से ही पता था कि यहाँ पे पंचकोसी ये वारुणी यात्रा होती है, इस यात्रा में हम यहाँ चले हैं। और कहीं बीच बीच में बड़े अच्छे अच्छे पड़ाव थे लोगों का, यहाँ पे खाने पीने का काफ़ी अच्छा प्रबंध है, यहाँ के गाँव के लोग बहुत बढ़िया हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब ये यात्रा एक बहुत सुखद यात्रा है और सुना है कि इस यात्रा का भी बड़ा और मैं पिछले 3 सालों से ये यात्रा कर रहा हूँ। तो ये जो यात्रा होती है ये बड़ेती घाट से और पूरे साल से होकर और चुंगी गंगूरी में लास्ट ये होता है इसका, और उसके बाद लोग उत्तरकाशी, विश्वनाथ, कन्याश सभी मंदिरों के जल चढ़ाते हैं गंगूरी से। और यहाँ पर काफ़ी हजारों की संख्या में भीड़ होती है और जो भी इस यात्रा करते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सिर्फ एक दिन की ये वरुणी यात्रा में सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जनपद में जाम के हालात भी बने हुए हैं। इसी यात्रा के बाद गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तैयारी भी शुरू हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्र की रिपोर्ट।